हेलो हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल तो गाइस आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अफ्रीकन कल्चर की पेंटिंग के ऊपर आप यहाँ पर जो मर्जी कलर यूज़ करें आर्टी कलर जैसे कि यहाँ मैं ट्यूब्स दिखा रहा हूँ कलर पहलेट प्लेन वाली यूज़ कर सकते हो ये ब्लॉक्स वाले भी यूज़ कर सकते हो बट मैं ये ब्लॉक वाली के ऊपर इस तरह ये प्लास्टिक शीट लगा लूँगा इस तरह की एक चीट जो है कार्डबोर्ड लगा लूँगा यहाँ पर मैं और यहाँ पर मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ये इसमें ये मैंने कलर यूज़ किया है रेड और येलो तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में ये है आप सभी का अपना ही चैनल इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइएगा प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइएगा आप दबाते नहीं हैं वीडियो को लाइक करिएगा कोई भी परेशानी है वीडियो के अकॉर्डिंग या कुछ भी उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको परेशानी है पेंटिंग के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ठीक है मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा प्लीज़ कमेंट करिएगा ठीक है तो तो यहाँ पर आप वाइट कलर यूज़ करें और उसमें कल येलो रेड और ब्राउन कलर को ब्लेंड करते जाएं ठीक है तो बहुत ही इजी पेंटिंग है ये ठीक है यहाँ पर पिछला बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा बनेगा ये देखो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग बनेगी आप इस तरह की पेंटिंग्स को बनाएं और फ्रेम करवा कर अपने घर में लगाएं बहुत ही प्यारी लगेंगी ठीक है इस तरह करने से क्या होगा जो बाहरी वाली आ, साइड है वहाँ पर जो किया ये जाएगा नहीं कलर ये जो मैंने यहाँ पर शीट से लगाई है ठीक है बहुत ही प्यारी यहाँ पर देखिए पैलेट नाइफ़ मैंने यूज़ कर लिया है ये सबसे छोटे साइज का पैलेट नाइफ है आ, ठीक है तो ये देखिए पैलेट नाइफ यूज़ किया पैलेट नाइफ़ के ऊपर मैंने कलर्स कौन सा लगाया पता है आपको कलर कौन सा ये ये कलर है ब्राउन और वाइट मिक्स कर कर बहुत ही प्यारा पायलट नाइफ आप अगर आप यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करेगा बट कुछ तो करो यार कुछ तो करो ठीक है तो ये देखिए इस तरह यहाँ पर मैं ये पायलट नाइफ़ को चला रहा हूँ यहाँ पर मैं एक शेड ही दे रहा हूँ बहुत ही प्यारी शेड दे रहा हूँ देखिए बहुत ही प्यारी बनेगी घर में बनाएं ठीक है अपने दोस्तों को चाहे गिफ्ट करें ठीक है अगर कोई उनका बर्थडे है या कुछ भी अपने घर के लिए बनाएं बहुत ही प्यारी लगेगी अगर आप ऐसी और अफ्रीकन पेंटिंग्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ठीक है ठीक है तो ये भी किस तरह करो पायलट नाइफ तो ये देखिए यहाँ पर वाइट कलर बीच में गालिया है अब मैंने यहाँ पर राउंड ब्रश लिया है रेड कलर जो ऊपर हमने यूज़ किया था छोटे से ब्लॉक में वही यहाँ पर कलर्स हम यूज़ करेंगे येलो रेड रेड तो ये देखिए इस तरह यहाँ पर यूज़ करेंगे आ, ये बीच में थोड़ी सी डार्क शेड के लिए मैंने कौन सा यूज़ किया ब्राउन कलर और लाइट शेड के लिए येलो ठीक है अगर अगर आप थोड़ी ज़्यादा लाइट शेड चाहते हैं तो वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं इतनी लाइट शेड नहीं चाहता था तो मैंने यहाँ पर जो कि येलो यूज़ किया है आप थोड़ी सी अपनी भी इसमें जो है अपनी जो समझ है पेंटिंग के रिगार्डिंग वो कर सकते हैं सेम बनाना चाहे सेम बना सकते हैं ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनेगी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी आप इस तरह की पेंटिंग्स बनाएँ घर में लगाएँ बहुत ही अच्छी लगती है ठीक है और आपके गेस्ट आएंगे देखेंगे बहुत ही उन्हें अच्छी लगेगी ठीक है ना तो इस तरह की आप छोटी छोटी पेंटिंग्स जो है बनाकर घर में लगा सकते हैं देखिए लगाने का कितना फ़ायदा हुआ है कितनी वहाँ पर बिल्कुल लाइन सी आ गई है बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि कलर बाहर नहीं निकले बिगनर्स के लिए मैंने ऐसा उन्हें तरीका बताया उन्हें नहीं आता ठीक है अगर आप आ, ध्यान से कर सकते हैं तो बिना इसके भी कर सकते हैं या अब मैंने यहाँ पर लेमन येलो और वाइट को इस तरह जो है ऊपर से ब्लेंड करना शुरू किया है तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए वीडियो को ठीक है ना ठीक है यहाँ पर अब जो ये है लगा दिया मैंने आ, कलर पायलट से फिर मैंने यहाँ पर पिंक शेड ठीक है रेड नहीं ब्राउन ही पिंक शेड ठीक है रेड और वाइट को मिक्स कर पिंक शेड के ऊपर से की है बिकॉज ये समिट्री नीचे तक आएगी जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं पिंक वाइट और पिंक वाइट और पिंक कलर को जो है यहाँ पर मैंने ब्लेंड किया है तो ये एक समिट्री होती है इन पेंटिंग्स के बैक बैकग्राउंड में कि जो उप, एक ही सिस्टम एक ही कलर जो चलता है यहाँ पर यह देखिए अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल वाइट नीचे कर दिया है हल्का सा उसमें पिंक डाल कर अभी यहाँ थोड़ा सा डार्क शेड में पिंक अप्लाई किया मैंने देख सकते हैं ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनेगी आप एक बारी ट्राई ज़रूर करें ठीक है अगर आप बिगनर हो Uh, अगर आपको पेंटिंग आती भी है तो भी एक बारी ट्राई करें अब ऊपर देखिए uh, जैसे कि नीचे पिंक और वाइट यूज़ किया है मैंने कहा समिट्री होनी चाहिए तो सेम पैलेट नाइप से वहाँ पर ऊपर वाइट भी शेड अप्लाई करना अब यहाँ पर येलो ओकर यूज़ किया है मैंने कलर और उसके साथ यूज़ किया है मैंने डार्क ब्राउन ठीक है जो मैंने यहाँ पर पेंट ब्रशीज यूज़ किए हैं पेंट यूज़ किए हैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ही आप विज़िट करिएगा और कोई भी पे, आ, आ, किसी भी मटेरियल के रिगार्डिंग किसी भी मटीरियल का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा यहाँ पर अब डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर को जो है ब्लेंड करते हुए मैंने ये बनाया है ये पार्ट तो देखिए बहुत ही प्यारा पार्ट बन रहा है ये देखिए आप देख सकते हैं कि सीमिट्री जो इस बैकग्राउंड के सीखना पड़ेगा आपको कि ऊपर पहले रेड फिर वाइट ब्राउन का फिर नीचे रेड साइड में येलो और वाइट का फिर नीचे पिंक साइड में पिंक फिर येलो के साथ डार्क डार्क येल, येलो मतलब ऑकर येलो उसके नीचे ब्राउन शेड देखिए ये जो कलर्स हैं ये लाइट टू डार्क टू डार्क जाते जा रहे हैं अब इसमें हल्का सा मैंने येलो का शेड देकर इसको हल्का सा साइड से जो है लाइट किया है ऊपर से डार्क नीचे बीच में से लाइट और नीचे से फिर डार्क अब यहाँ पर जो है मैंने पिंक रेड पिंक और येलो ये तीन कलर यूज़ किए हैं इनको बिल्कुल लाइटली यूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू जो साइड में हमने रेड यूज़ किए हैं उनसे ठीक है ये देखिए अब यहाँ पर रेड वाइट यूज़ किया है यहाँ पर मैंने फिर से लगा ली है शीट कि ऊपर ये जाए ना कलर इस तरह आप शीट्स लगाइएगा थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लग सकता है बट ये बहुत ही ईजी है यहाँ पर मैंने राउंड ब्रश यूज़ किया है देखिए काफ़ी प्यारी पेंटिंग बनी है इसको फ्रेम करवाइए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी ये पेंटिंग ठीक है ये देखिए अब यहाँ पर मैंने ये, लाइट येलो और वाइट को जो है यहाँ पर ब्लेंड करते हुए ये किया है अब यहाँ पर ब्राउन कलर किया है बिकॉज ये एज ए टेबल है ये एज ए टेबल जो कि यहाँ पर बन रहा है ये देखिए यहाँ पर लग रहा है ना एक शेडो सी आ गई यहाँ पर ब्राउन की देखिए ये उतारा ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर मैंने मोट माटी का जो है लाइनर ब्रश यूज़ किया है और डार्क ब्लैक डार्क ब्लैक नहीं डार्क ब्राउन और ब्लैक को मिक्स कर कर यहाँ पर मैंने ये किया है और कलर जो इसकी जो लेडी की स्किन टोन है वो इस कलर में है डार्क से बिकॉज ये अफ्रीकन कल्चर पेंटिंग्स हैं तो इनमें यही ट्यून्स रहती हैं ये देखिए अब यहाँ पर हैंड क्रिएट करेंगे बहुत ही Uh, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है पेंटिंग uh, ये स्टार्टिंग में मैंने ड्राइंग आपको दिखाई थी जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसकी पहले ड्राइंग करिए अच्छी तरह देन यू शुड पेंट ए पेंटिंग ठीक है तो बहुत ही अच्छे वे से पेंट करिएगा uh, एक एक समिट्री रखिएगा पेंटिंग में जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है बहुत ही बढ़िया बहुत ही जैसे कहते हैं ना सुंदर पेंटिंग बनकर निकलेगी और इसको फ्रेम करवाइए जैसे कि मैंने मास्किंग टेप लगाई हुई है बॉर्डर वहाँ क्रिएट हो जाएगा तो करना यहाँ पर फेस में हल्की सी लाइट टोन के लिए येलो कलर यूज़ किया है निचली साइड पर और ऊपर वही जो ब्लैक और ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर अब जो कैप है इसने डाली हुई टोपी वहाँ पर जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो एज ए जैसे कि एक फ्लफी सा जैसे पार्ट है उसका ठीक है वो क्रिएट किया है ब्लैक कलर से और उसके ऊपर स्ट्राइप्स डाल दी हैं यहाँ पर आप पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं पोर्ट क्रिएट करने के लिए येलो ओकर में मैंने डाला है हल्का सा ब्राउन कलर लाइट ब्राउन कलर और उसको इस तरह ब्लेंड किया उसमें हल्का सा ब्लैक टोन दी है और ये देखिए आप देख सकते हैं किस पार्ट पर मैं कह रहा हूँ वहाँ पर ब्लैक सी टोन दे दीजिए इस तरह एज ए रिफ्लेक्शन लगेगी बहुत ही प्यारी ऊपर जो पोर्ट का फेस माउथ है वहाँ पर भी ये कर दीजिए अब ये देखिए मैंने कहा था टेबल है ये एज ए टेबल क्रिएट किया तो ये देखिए इस तरह यहाँ पर ब्लैक कर देना है अब इसकी जो आइज़ नोज ये हैं इसको लाइट येलो कलर से इस तरह क्रिएट कर दीजिए और वहाँ पर उसको ब्राउन कलर से ब्लेंड करते रहिए ठीक है अब यहाँ पर रेड कलर अप्लाई करना है सिंपल रेड कलर है ये अप्लाई सिंपली कर लेना है ये देखिए बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल पोर्ट बनकर रेडी हुआ है अब इसमें हल्का सा येलो टोन यूज़ करना है तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड अपनी तरफ से लगाई थी पर वो वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाई तो इसके लिए सॉरी बट बत मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपने नीचे ब्राउन कलर और यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया है तो और येलो कलर से इसकी ज्वेलरी बना लेनी है तो ये देखिए पेंटिंग बनकर रेडी हो गई बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को तो मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए बाय